आज चल रहे हैं हमारी दूसरी मम्मी के पास। ये कल होने वाला था, ये क्या है गाइस, आज हो और ये राम मंदिर बनाया हुआ है। आ गए हमारी दूसरी मम्मी के पास। दिवाली का माहौल है मुंबई में और ये बड़ी मम्मी ने पुरानी यादें ताजा कर दी। हम ऐसे बैठ के एक जगह सबको बिठा के बड़ी मम्मी खिलाती थी। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ। एंड ये हो रही है मैडम जी रेडी। हो गई है मैडम रेडी? आप कितना टाइम लगता है घर पे? इस बार ये कपड़ी बहुत जोरदार निकल रही है इधर। जी हाँ, आज चल रहे हैं हमारी दूसरी मम्मी के पास। हमने तो देख लिया होगा आप लोगों ने, तो बस अभी चलते हैं। एंड बताया भी था मैंने, जिनके पास रहता था मुंबई में पहले यहाँ पर, तो उन्हीं के पास मिलने जा रहे हैं। और हमारे क्या होता है कि झोड़े एक रखते हैं, झोड़ा बोलते हैं, मतलब कि ससुराल में पियर बनाते हैं। ससुराल में कोई पियर बनाते थे। हाँ, कोई फंक्शन वंक्शन हो तो शायद जा सकते हैं ना? जा नहीं सकते तो? मम्मी पापा नहीं पहुंचे तो, मतलब सगा भाई नहीं पहुंचे तो फिर वो वाले बने। अच्छा, तो एक तरह से मुंह बोले धर्म के फैमिली एक बनाते हैं। तो जिनके पास मैं रहता था पहले बड़ी मम्मी के पास, तो उन्हीं को फिर धर्म की मम्मी रेनू की बनाया गया, क्योंकि मुंबई में रहते हैं, मुंबई वही पास में। तो और मतलब उन्होंने मुझे रखा ही बेटे की तरह, तो इसीलिए फिर रेनू को भी उनकी बेटी बना दिया और अब मैं उनका जमाई बन गया। तो उन्हीं से मिलने चल रहे, बुला भी रहे थे, हमेशा जब भी जाते आते रहते हैं और हमेशा इतना मुझे तो हमेशा से ही प्यार मिलता है। मैं तो पहले से रह भी रहा था, तो एक दो साल मैं रहा हूँ वहां पर। और अब रेनू से पूछते हैं, रेनू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, तुझे कैसा लगा बड़ी मम्मी से कनेक्ट होने के बाद? तुझे मतलब एक कहने को धर्म की मम्मी है, लेकिन कैसा तुझे आया है भाई उनसे हमेशा से? मैं तो मानती हूं धर्म की मम्मी है। कहने का मतलब कैसा लगा है कि कभी भी कैमरे पे कहने के लिए नहीं है गाइस, ये भी इसको भी हमेशा से ऐसे ही बेटी की तरह रखा है। फोन करके बुलाते भी हैं, आए नहीं, नाराज भी होते हैं कि आए नहीं, इतने दिन हो गए। तो इतना प्यार भी मिलता है तो जाने का मन भी करता है खुशी से। तो आज चल रहे हैं मैं सुनके घर और मैडम जी लगा रही है टाइम बहुत ज्यादा। एंड आज श्री राम फिर से वनवास काट कर 500 साल का और फिर से अपने घर आ चुके। काफी मन हो रहा है जाने का अयोध्या। हाँ, मुझे भी जाना ही है, किसको नहीं जाना है, सबको जाना है। तो बस चलते हैं, जल्दी प्लान करते हैं। पहले अभी तो यहाँ से तो चल, बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया रेनू, फटाफट आ जाए। चलिए गाइस फाइनली निकल गए। मुंबई के घरों की ये आदत है कि डबल बार चेक करना पड़ता है ध्यान से, अगर लॉक हो जाए तो बाहर से लॉक हो जाते हैं हम लोग, चाबी लेके ध्यान से निकलना पड़ता है, ऑटो लॉक हो जाते हैं। चलो मैडम जी, बहुत टाइम लगा दिया आपने, बहुत लेट कर दिया। चलो ऑलवेज यूज स्टेयर्स, सीढ़ियाँ नहीं, नो लिफ्ट, लिफ्ट सीढ़ियाँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज इतनी तो होनी चाहिए, यंग इंडिया है यार। बेटा तो जी चल रहे रेनू के मायके, और रेनू का मायका मुंबई में भी है। वाह बताओ क्या बात है, राजस्थान में तो मायका है ही है, मुंबई में मायके हैं। वाह, और क्या चाहिए यार, इतना पास में भाई क्या चला रहा है यार, मतलब जो गाड़ी पे लोग गाड़ी चला रहे रोड पे उड़ाते हैं। कल होने वाला था, ये क्या है गाइस, आज इतना धूमधाम, दो दिन तक रहने वाला है दिवाली, क्या मतलब अलग ही माहौल बना दिया यार इधर। जी के दर्शन हुए और ये राम मंदिर बनाया हुआ है। वाह सुंदर है यार, जय श्री राम, लक्ष्मण जी भी हैं भाई। क्या माहौल लग रहा है यार, आई मीन इतना अच्छा लग रहा है बाहर आके, मन भावुक हो गया, जल्दी हम भी अयोध्या जाएं यार, इतना बढ़िया मतलब मंदिर बना रखा है, शायद रामलीला वगैरह भी कर रहे हैं और आगे भी यहाँ झांकियाँ वगैरह निकल रही, तीसरी झांकी देखी अपन ने जा रही है, इतना हो रहा है क्राउड। सही है यार, कल तो क्या होगा पता नहीं, कल कैसा माहौल होगा यार, कल तो माहौल बहुत खतरनाक होने वाला है। आ गए हमारी दूसरी मम्मी के पास, रेनू की भी मम्मी है तो। अरे मिली हमारी दूसरी मम्मी से गाइस, मैं कह तो आयो हमारी दूसरी मम्मी मिला हूँ, हमारी दूसरी मम्मी एक और भाई भी है, अभिषेक और बस। वाह अब तो सेट हो गया पूरा, बढ़िया
पग क्या ना फिर आज ही रैली वैली निकल रही बढ़िया यार, कहीं गजब ही गजब बात है क्या बंदा नीचे गया बंदा। अरे बहुत बढ़िया बना दिया दिवाली सही में, दिवाली होती है हां सही में। आप कल दिवाली में न बजा खतरा तो यार खतरनाक। मम्मी दिए जला रहे हैं यहाँ पर और आज से दीयों की शुरुआत कर रहे हैं और आज से दिवाली छोटी दिवाली मना रहे हैं। लग रहा है दिवाली वाली वाइब हो चुकी है, क्या कहते हो अभिषेक जी? बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गिरा दिया उधर सिंदूर गिर गया उधर। आ रहा है मजा दिवाली वाला बहुत ज्यादा सही बात है। ये लग चुका है घर में एंड ये दिवाली का माहौल है मुंबई में। रेनू जी मायके में आके खाना बना रही है, बड़ी मम्मी की हेल्प करवा रही है। आज बड़ी मम्मी की रसोई में खाना बनाया जा रहा है। नाक नहीं कटनी चाहिए रेनू, बड़ी मम्मी के ऑलरेडी बड़ी मम्मी के स्वाद के सामने रेनू का कोई स्वाद नहीं है। वो तो यही मातो माई होती है, बेटियां मतलब होती है। हम जब भी जो बनाती थी बड़ी मम्मी ऐसे उंगलियां चाट के खाते थे हम, लेकिन आज क्या बन रहा है मरी बनाएगी मुठिया। अच्छा तो बिक जाना है अपना ढोकला जानते ना, हाँ तो ढोकली की जैसे है राजस्थान में हमारे हमने ढोकली जैसा है लेकिन। चलो इंतजार है, अच्छा खाना ही बनना चाहिए रेनू। बड़ी मम्मी तो देख तो भी देख एक्सपर्ट खा के देखना अभी तो खाती रह जाएगी। यहाँ हम अभिषेक के साथ में कुछ टीवी में देखते हुए और ये बड़ी मम्मी ने पुरानी यादें ताज़ा कर दी हम ऐसे बैठ के एक जगह सबको बिठा के बड़ी मम्मी खिलाती थी हमको। रामरूप की और भजन की कमी रह गई है बस, वो भी हो जाते तो मज़ा आ जाता। चलिए क्या क्या बड़ी मम्मी खिला रहे हैं ये बताओ। मेथी के लड्डू आपके फेवरेट? मेथी के लड्डू, मेथी के नहीं लग रहे मेरे को। बस बस बड़ी मम्मी बस पुरानी यादें पूरी ताजा कर दी बड़ी मम्मी। मजा आ गया मिल रहे पुराना दिन पाछा याद आ गया। चलिए अच्छा लगा मिलके, काफी टाइम बाद मिले और इतना स्नेह इतना प्रेम मिलता है मुझे तो लिटरली माँ के जैसा लगा। इसका भी अब तो धर्म की मम्मी हो ही गई है, इसको भी कभी बेटी से कम तो बहन नहीं दी है। पिछले जन्म में कुछ रहा होगा हमारा रिश्ता, इसीलिए इतना प्यारा रिश्ता है इस जन्म में भी। जैसे भगवद गीता में श्रीमद भगवद गीता में लिखा है, लंका चाहे अमेरिका हो चाहे लंका हर जगह एक। अरे भारत का बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा चल रहा है इवेंट अभी, मतलब फंक्शन जो है अभी स्टार्ट हुआ है भजन वगैरह, क्या माहौल बना रखा है यार। हाँ जी गाइस तो घर पहुंच गए और आदित्य जी आज हमारा वेट कर रहे थे, हम ये आ गए और हम लेट आए, इनको भूख लग रही थी इसलिए हम हमारा वेट कर रहे थे। रोज ये 12 बजे खाना खाते हैं, आज ये घर पे थे, आज इनको भूख लगी, आज हम चले गए बाहर, तो आज आदित्य मेरे साथ होगी चोट। कोई बात बहुत भयंकर होती है जी। कैसे लगा दी आपको? कैसे लगा? कोई बात नहीं। चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो गाइस आप लोगों को पता ही क्या करना है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट टू द लाइक बटन कमेंट, नए हो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना और बेल आइकन जरूर दबा देना यार गाइस, घंटी बजा देना ताकि न्यू वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाए आप लोगों को। और अच्छा लगा है प्यारा लगा है तो इस ब्लॉग को शेयर कर देना, आप लोगों को प्यार देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।